हेलो फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग अवर 21st लेसन फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक एंड दैट इज पब्लिक सर्विसेज फॉर कम्युनिटी लाइफ। हमारी जो कम्युनिटी लाइफ है उसमें कौन कौन सी पब्लिक सर्विसेज जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है उसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं वो हमने देखा है। आज उसी लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है हम देखने वाले हैं। ईच विलेज हैज अ ग्राम पंचायत। महाराष्ट्र स्टेट वॉज फॉर्म ऑन 1 May 1960। एट दैट टाइम महाराष्ट्र हैड 21,636 ग्राम पंचायत। देखिए, जिस महाराष्ट्र स्टेट में, जिस महाराष्ट्र राज्य में हम रहते हैं उसकी स्थापना 1 May 1960 को हुई थी और उस वक्त महाराष्ट्र में टोटल ग्राम पंचायत की क्वांटिटी थी 21,636। That figure rose to 27,993 in 2010. To form a Gram Panchayat, the population of a village must be at least 500. किसी गांव में, छोटे से गांव में अगर ग्राम पंचायत बनानी है तो उस गांव में, उस गांव की population यानी जनसंख्या, आबादी कम से कम 500 लोग होना ज़रूरी है, 500 people. If the population is less than that, 2-3 such villages में टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप ग्राम पंचायत। और क्या होता है अगर समझो किसी गांव की पॉपुलेशन उससे कम है यानी 400 है, तो ऐसे वक्त उस गांव को ग्रुप ग्राम पंचायत के साथ जोड़ा जाता है। मतलब जो पास वाला बड़ा गांव होता है उस गांव के ग्राम पंचायत के साथ उस छोटे गांव को जिसकी पॉपुलेशन 500 से कम है उसको जोड़ दिया जाता है। यानी दो या तीन गांव में मिलके एक ग्राम पंचायत होती है और ऐसे ग्राम पंचायत को बोलते हैं ग्रुप ग्राम पंचायत। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाई योर लोकल गवर्नमेंट। अभी आप जिस गांव में रहते हो उस गांव में जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी मीन्स नगर पालिका है, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी महानगर पालिका है, तो उनके ज़रिए आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ सर्विसेज मिलती है उनकी एक लिस्ट बनाओ। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए है। अ गर्ल विजिटिंग अ बैंक विथ हर फादर। एक लड़की है छोटी सी जो कि कोऑपरेटिव बैंक के को मिलने के लिए, उनको वहाँ पर विजिट देने के लिए गए हैं। रीडिंग एन इनलैंड लेटर, जो पोस्टल सर्विस है वो भी प्रोवाइड की जाती है कम्युनिटी लाइफ में। कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल है जैसे कॉटन मिल होती है, और डेयरी है जहाँ पर मिल्क कलेक्ट किया जाता है, दूध संकलन केंद्र। ओके, तो इस तरह की और भी कई सारी फैसिलिटीज़ होती है जो कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू हमें प्रोवाइड की जाती है। The pictures above show the services available in village. Which other services are available in your place? ये कुछ facilities के example आपको दिए है ऊपर जो picture दिए हो। इसके अलावा भी कई सारे जो services होती है वो local government के ज़रिए, ग्राम पंचायत के ज़रिए आपको provide की जाती है। Public services are provided to us out of money collected from us as taxes. हम जो taxes भरते हैं, tax यानी कर, जो कुछ भी वस्तु हम खरीदी करते हैं दुकान में से उस पर गवर्नमेंट कुछ टैक्स लेती है। जैसे आपने GST का नाम सुना होगा, उस तरह के जो टैक्सेस है हम जब कोई परचेसमेंट करते हैं, जब खरीदी करते हैं, तो उस वक्त उसमें से कुछ टैक्स गवर्नमेंट को हम भरते हैं। वी मस्ट यूज़ देम केयरफुली। और ये जो टैक्स से गवर्नमेंट के पास जो पैसा कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, उन्हीं पैसे से हमें अलग अलग तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यानी इनडायरेक्टली ये जो फैसिलिटीज़ है हमारे ही पैसों से हमें प्रोवाइड की जाती है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि ये फैसिलिटीज़ भी हमारी होने की वजह से हमें उसकी अच्छी तरह से देखभाल और प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। समटाइम्स पब्लिक सर्विसेज आर ओवर बर्डन बट वी कैन सॉल्व दिस क्राइसिस बाय वर्किंग टुगेदर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो पब्लिक सर्विसेज लोकल गवर्नमेंट बॉडी के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से। जैसे वाटर सप्लाई की जो टैंक होता है वहाँ पर एक साथ बहुत सारे लोग पानी भरने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर झगड़े वगैरह होते हैं, तो लेकिन हम ये प्रॉब्लम जो है एक साथ मिलजुल के, एक दूसरे के साथ मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं। द लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ वाटर सप्लाई एंड पब्लिक हाइजीन बट वी नीड मेनी मोर सर्विसेज। यू मस्ट हैव सीन अ बैंक इन योर सिटी और विलेज। पीपल पुट देयर मनी इन टू अ बैंक, द मनी इज केप्ट सेफ देयर। पीपल कैन सेव दिस मनी, दे कैन विदड्रॉ दैट मनी फ्रॉम द बैंक वेन दे नीड इट। बैंक्स also offer loans to people in need. देखिए, जब हमारे पास थोड़ा पैसा जमा हो जाता है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हमारे पैसे बैंक में जमा कर देते हैं। समझो हमने 1,00,000 रुपये बैंक में अगर जमा करी किए तो उस पर अगर 8% इंटरेस्ट है, ब्याज है, तो हमें एक साल में उसके
8,000 मिलेंगी, यानी हम हमारा एक्स्ट्रा पैसा बैंक में सेव कर सकते हैं जिस पर हमें इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है, ओके। और जब हमें ज़रूरत होती है तो उस वक्त हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं यानी कर्जा ले सकते हैं, यानी हमारे पास जो कुछ भी घर यानी खेती वगैरह होती है तो उसको तारण रख के हम वहाँ से कर्ज ले सकते हैं और हमारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। ये बैंक भी एक गवर्नमेंट यानी जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है या गवर्नमेंट है उसके ज़रिए प्रोवाइड किए जाने वाली एक सर्विस ही है, ओके। नेक्स्ट पेज, द पोस्टल सर्विस इज़ यूजफुल फॉर कीपिंग इन टच विथ अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, लेटर कैन बी सेंड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो पोस्टल सर्विस है जिसे पोस्ट ऑफिस थ्रू हम हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनसे कांटेक्ट करने के लिए हम पोस्टल सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। 50 पैसे में एक पोस्टल कार्ड मिलता है जिसके ज़रिए हम हमारे देश में कहाँ पर भी भेज के हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे पास मोबाइल टेलीफोन होने की वजह से हम पोस्टल सर्विस का इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन जब मोबाइल नहीं था, टेलीफोन बहुत कम मात्रा में थे, उस वक्त ये जो फैसिलिटीज़ है, मोबाइल फैसिलिटीज़, जो पोस्टल सर्विस की फैसिलिटीज़ है वही यूज़ की जाती थी, ओके। द पीपल इन अ लोकेलिटी समटाइम्स कम टुगेदर एंड फाइंड आउट व्हाट द लोकल नीड्स आर, बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग्स दे डिसाइड टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री और सर्विस इन कोऑपरेशन विथ वन अनदर, दे कॉन्ट्रीब्यूट सम ऑफ देयर ओन मनी टू स्टार्ट दैट इंडस्ट्री और सर्विस, द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग एवरी वन, इंस्टीट्यूशंस फॉर्म बाई पीपल्स कोऑपरेशन आर कॉल्ड कोऑपरेटिव्स। मीन्स कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती है वो क्या होती है, इंस्टीट्यूशंस फॉर्म बाय पीपल्स कोऑपरेशन, जो लोगों के सहकार्य से जो इंस्टीट्यूट बनाई जाती है, यानी जैसे हमारे यहाँ पर पोपाड़ी का जो शुगर फैक्ट्री, पोपाड़ी की जो शुगर फैक्ट्री है, शुगर कैन जो शुगर बनाने की फैक्ट्री है वो कोऑपरेटिव फैक्ट्री है, मतलब यहाँ पर के लोगों ने अपने पैसे जमा करके उसमें गवर्नमेंट का पैसा मिला कि वहाँ पर वो फैक्ट्री खड़ी की है और उनको जब मुनाफा होता है उस कारखाने को, जो फैक्ट्री को, उस वक्त उनको उसका बोनस भी मिलता है। तो ये होते हैं कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स और फैक्ट्रीज। इसके तरह और भी जो दूध संकलन केंद्र यानी मिल्क कलेक्शन जहाँ पर होता है ऐसा सेंटर, ये भी कोऑपरेटिव यानी सहकार तत्व पर शुरू किया जा सकता है। डू यू नो, क्या आपको पता है कि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी है पोस्टल सर्विस के बारे में, ऑलमोस्ट 400 years ago a postal service was run in Golconda as follows। आज से 400 साल पहले गोवलकोंडा जो स्टेट यानी एक राज्य था, वहाँ पर एक किंगडम था, तो वहाँ पर किस तरह से पोस्टल सर्विस हुआ करती थी। There were small huts in intervals of every 2 or 3 miles। In the first hut there was a harkara। Harkara means a man who carried the post। The first harkara took the post bag from the first hut and dropped in it in second hut। The second harkara stood ready to take up the bag। He took the bag and ran to the third hut and dropped it in। This is how the post was carried to other places। This system was called the dark system। आज से 400 साल पहले गोवलकोंडा जो स्टेट था, किंगडम था कुतुबशाह का, वहाँ पर पोस्टल सर्विस हुआ करती थी। वो कैसी थी, हर 2 से 3 किलोमीटर पर माइल्स पर एक झोपड़ी हुआ करती थी, वहाँ पर एक आदमी रहता था, हर कारा जिसको कहा जाता था। यानी समझो हम उमरखेड़ से पुसत को अगर हमें पोस्ट भेजना है, फॉर एग्जांपल है ये, तो हर 3-4 किलोमीटर पर एक झोपड़ी यानी उनका ऑफिस रहा करता था और वहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसको हर कारा कहा जाता था। पहला व्यक्ति उमरखेड़ से जो 3 किलोमीटर पर हट है वहाँ पर अपना पोस्ट की, अपनी पोस्ट की बैग लेके जाएगा, वो वहाँ पर उस हट में वो बैग देगा। हमें भेजनी कहाँ पर है, वो पुसत को, तो वहाँ पर जो बैग दी है वहाँ का व्यक्ति वो जाके सामने देगा और सामने वाला और सामने, ऐसा करके हर एक हरकारा को ओनली 2 से 3 माइल चलना पड़ता था। लेकिन ऐसा करते करते आधे या एक घंटे में वो बैग पुसत को भेजते थे। यानी ये हमने एग्जांपल लिया, तो ये कहाँ पर थी, गोवलकोंडा, आज से 400 साल पहले। आज हमारे पास जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने जो पोस्टल सर्विस स्टार्ट की थी वो अभी हम यूज़ करते हैं, ओके। और उसके ज़रिए हम हमें जहाँ पर चाहिए, हमारे जहाँ पर मेहमान है, जहाँ पर हमारे दोस्त है, वहाँ पर हम हमारा लेटर भेज सकते हैं बहुत कम पैसों में। वाटर इज़ वेस्टेड व्हेन टैप्स डू नॉट हैव फॉसेट्स। अभी जब हमारे पानी इम्पोर्टेंट है, सबके लिए पता है,
हम सब पानी का यूज़ किस लिए करते हैं? फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, इन इंडस्ट्री यूज, एंड ऑल्सो वी यूज़ वाटर इन अवर एग्रीकल्चर. ओके, हर जगह पर हमें पानी की ज़रूरत होती है. लेकिन जो पानी वेस्ट होता है, जब हमारे नल की जो टोटी होती है फॉसेट्स, वो जब लीक होती है, तो उस वक्त क्या होता है, ढेर सारा पानी बह जाता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अभी यहाँ पर एक इवेंट दिया है, अ चिल्ड्रेन काउंसिल इन अ स्कूल इन बहिरटवाड़ी इन अकोला डिस्ट्रिक्ट कैरिड आउट अ प्रोजेक्ट. अभी अकोला डिस्ट्रिक्ट की जो बहिरटवाड़ी है, वहाँ पर के स्कूल के बच्चों ने एक प्रोजेक्ट किया. दे स्टार्टेड अ डिस्कशन ऑन द इश्यू ऑफ हाउ टू सेव वाटर. उन्होंने एक डिस्कशन किया कि पानी को कैसा बचाया जा सकता है. सम चिल्ड्रेन पॉइंटेड आउट दैट वाटर इन द विलेज वॉज वेस्टेड बिकॉज द टैप्स डिड नॉट हैव फॉसेट्स. कुछ बच्चों ने कहा कि जो नल होते हैं उस पर जो टोटी होती है फॉसेट, वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करते, उसमें से बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, ऐसा बच्चों ने कहा. द चिल्ड्रन फाउंड आउट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट वॉज टू पुट फॉसेट्स ऑन द टैप्स. उन्होंने देखा कि किसकी जिम्मेदारी है कि जो नल होते हैं उसको फॉसेट बिठाना, टोटी बिठाना. देन इट वॉज डिसाइड टू अर्ज द ग्राम पंचायत टू फिक्स फॉसेट्स ऑन द टैप्स. और उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि ग्राम पंचायत को हम एक लेटर लिखेंगे जिसमें बोलेंगे कि जो फॉसेट्स है वो अच्छे करो, रिपेयर करो. देन रोट अ लेटर टू द ग्राम पंचायत कंसर्निंग दिस इश्यू. अ फ्यू डेज लेटर दे ऑल्सो सेट अ रिमाइंडर. अ फ्यू डेज आफ्टर दैट फॉसेट्स वेयर फिक्स ऑन टैप्स. दिस इज हाउ द चिल्ड्रेन सॉल्व द प्रॉब्लम. और एक बार उन्होंने फिर से कुछ दिनों के बाद याद दिलाने के लिए ग्राम पंचायत को लेटर लिखा कि वो जो फॉसेट्स है टैप के वो रिपेयर करके दीजिए. और दूसरी वक्त जब उन्होंने रिमेंबर करके दिया, तो उस वक्त ग्राम पंचायत ने वो फॉसेट्स अच्छी तरह से रिपेयर किए और नए फॉसेट्स बिठाए. यानी छोटे बच्चे भी अगर प्रोजेक्ट की, कोई प्रोजेक्ट के जरिए जो वाटर की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, उस पर इलाज कर सकते हैं. ओके, तो हम इस लेसन में से क्या सीखे? पब्लिक फैसिलिटीज आर सर्विसेज दैट आर अवेलेबल फॉर एवरीबडी. पब्लिक सर्विसेज क्या होती है? ऐसी फैसिलिटीज जो कि सबके लिए अवेलेबल होती है. द ग्राम पंचायत रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज. ग्राम पंचायत छोटे गांव का एडमिनिस्ट्रेशन कारोबार देखती है. द म्यूनिसिपैलिटी रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउन. और जो म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है, वो छोटे से टाउन का कारोबार देखती है. देयर आर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस फॉर बिग सिटीज. और जो बिग मेट्रोपोलिटन सिटी होती है, वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब महानगर पालिका होती है. फॉर एग्जाम्पल नागपुर, अमरावती, नांदेड़ एट्सेट्रा. पब्लिक सर्विसेज शुड बी यूज केयरफुली. जो सर्विसेज पब्लिक सर्विसेज है, उनका यूज़ हमें अच्छी तरह से केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ होती है, हम जो टैक्स के लिए पैसे भरते हैं उनमें से ही हमें दी वाली होती है. यानी इनडायरेक्टली हमारी ही फैसिलिटीज़ हमें ही दी जाती है, तो उनकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है. मनी इज केप्ट सेफ इन द बैंक. मनी जो पैसा है, हम बैंक में उसको सेफ रख सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट भी हमें मिल सकता है. We can send letters anywhere in the world. और postal service का use करके हम दुनिया में, इस world में कहाँ पर भी, चाहे England, America हो, वहाँ पर भी हम letter भेज सकते हैं. Institutions formed by the cooperation of the people are called cooperatives. ऐसी institutions जो कि लोगों के सहकार्य से, help से, मदद से बनाई जाती है, ऐसे institutions को cooperative institute यानी cooperatives कहा जाता है. Okay friends? तो हमने हमारा 21 नंबर का जो लेसन है पब्लिक सर्विसेज फॉर कम्युनिटी लाइफ, वो यहाँ पर कंप्लीट किया है. इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है हम PDF थ्रू देखेंगे. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.